फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है HP 15AC। 15AC जो हम मशीन की बात करें कि मशीन कैसी होती है, इसमें HS04 बैटरी लगती है, ये हार्ड डिस्क के साथ आती है, 1 TB इसमें हार्ड डिस्क होती है, ये i5 में भी आती है, i3 में भी आती है ये मशीन। फोर्थ जनरेशन होती है इसकी, जो हम CPU की जनरेशन की बात करें तो ये फोर्थ जनरेशन में मशीन होती है और 4 GB रैम होती है। अपग्रेड की बात करें तो इसमें SSD M.2 का कोई ऑप्शन नहीं होता, हम हार्ड डिस्क हटा के ही SSD लगा सकते हैं। रैम अपग्रेड का ऑप्शन है, रैम अपग्रेड हो जाएगी आपकी 4 से 8 हो जाएगी और 8 से 12 भी आप कर सकते हैं। DDR3 इसमें रैम होती है, मैक्सिमम ये 12 GB रैम सपोर्ट करता है। तो ये बात होगी हमारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। विंडो 7 भी हो जाती है इसमें, विंडो 10 भी हो जाती है, विंडो 8.1 भी हो जाती है। जो ये आया था तो ये 7 के साथ आई थी ये मशीन, फिर इसमें विंडो 8.1 हुआ। अब इसमें कस्टमर क्या चाह रहे हैं कि विंडो 10, क्योंकि आजकल विंडो 10 ही होती है, कोई हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आजकल के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं वो विंडो 7 पे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसी में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है हार्ड डिस्क के साथ। विंडो 10 पे ये इतना अच्छा नहीं चल पाता, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, तो उसी के लिए इसमें हम आज इस लैपटॉप में SSD लगा रहे हैं, जो हमारा 15AC मॉडल है। तो उसमें हम आपको SSD लगाते हुए दिखाएंगे और SSD का परफॉर्मेंस तो हम आपको कई वीडियो में दिखा चुके हैं कि कितनी स्पीड हमारी कितनी फास्ट हो जाती है। तो स्पीड हमारी कम से कम भी 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक फास्ट हो जाती है, और जो M.2 या NVMe का ऑप्शन होता है तो उसमें तो हमारी 30 टाइम फास्ट स्पीड हो जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसे हम कैसे SSD लगाते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन होता है कि जब लैपटॉप खोलने से पहले हमें बैटरी को हटा लेना चाहिए। फिर हम बात खोलते हैं इसको, स्क्रू वगैरह खोल के सारे इसके पूरा कवर बाहर आ जाता है। खोलना इसको बहुत आसान है, 15AC को मॉडल को बहुत ही आसान मोड खोलना है, इसमें कोई ज्यादा आप ना तोड़ सकते। आप यदि बिगनर भी हैं, सीख भी रहे हैं, लर्नर भी हैं, तो इस लैपटॉप को आप खोल सकते हैं, बहुत इजी से खोल सकते हैं। पीछे से इसके 4, 5, 10 ये जो स्क्रूज में लगे होते हैं वो खोलने के बाद बहुत अच्छे से प्यार से आप खोल सकते हैं, ब्लेड वगैरह लेके उससे ये मशीन खुल जाती है। हमारे स्क्रू खुल गए हैं तो उसके बाद या तो आप ब्लेड से या ये हाथ से भी बहुत अच्छे से इसका बेस के जो लॉक होते हैं वो खुल जाते हैं। हाथ से खोलोगे ज्यादा अच्छा है, स्क्रैच नहीं आएंगे। हार्ड डिस्क है, इसको हम हटा लेते हैं, इसकी जगह हम SSD लगाएंगे, और जो हमारी हार्ड डिस्क है हमारा हर वीडियो में बताते हैं वो DVD की जगह आ जाएगी और हमारा DVD उसमें से हट जाएगा। तो हमारी स्पीड को फास्ट करने के लिए यही एक ऑप्शन है इन पुराने लैपटॉप्स में, तो वही हम कर रहे हैं। इसकी हार्ड डिस्क अब चेंज करते हैं, हार्ड डिस्क की जगह SSD लगा देंगे इसमें। और ये लैपटॉप अच्छे होते हैं, 30 पिन है, स्लिम भी होता है, परफॉर्मेंस वाइज भी हमने आपको इसका बता दिया है कि ये ठीक चलता है। SSD लगने के बाद तो ये ऐसा हो जाता है कि कुछ बंदे समझते हैं कि यार अब तो दूसरा ही लैपटॉप ले लेना चाहिए, ये तो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस, तो दूसरा लैपटॉप लेने के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है, जब SSD लग जाती है तो फिर हमारी पहले जैसी स्पीड हो जाती है। तो अब हम आपको हर वीडियो में चेक तो कराते ही हैं स्पीड का, आपने हार्ड डिस्क पे तो चेक किया ही है, SSD लगवाने के बाद जब स्पीड चलती है तो बहुत अच्छी स्पीड होती है। 240 GB SSD हम इसमें लगा रहे हैं, क्रूशियल की SSD होती है ये, बहुत अच्छी फास्ट स्पीड होती है इसमें, बहुत सुपर फास्ट स्पीड की SSD है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। तो हम इसको पैक कर रहे हैं SSD को।
SSD लगा के इसको अब विंडो वगैरह इसमें इंस्टॉल करेंगे। और विंडो वगैरह करने के बाद फिर हम ये अपनी हार्ड डिस्क दूसरे वाली हार्ड डिस्क इसमें लगाएंगे। यदि हम उसी के साथ लगा देते हैं तो पहली बात तो हमारा फॉर्मेट होने का चांस रहता है, दूसरी बात हमारा जो होता है कि बूट सीक्वेंस में दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप क्या करें, SSD पे विंडो करने के बाद ही हार्ड डिस्क को सिस्टम पे लगाएं। धूल मिट्टी सही है नहीं इसमें। विंडो इंस्टॉल करने के बाद हमारी स्पीड जो होगी बहुत फास्ट हो जाएगी, आपको भी हम आपको दिखाते हैं एक्सपीरियंस भी अब क्या होगा। और जो यदि आपके पास पुराना लैपटॉप है तो आप उसमें SSD जरूर लगवाएं, क्योंकि विंडो 10 हार्ड डिस्क पे उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, बहुत ही स्लो चलता है, हमारी फाइलें नॉट रेस्पॉन्डिंग हो जाती है, नहीं खुलती है, हमारा कंप्यूटर बहुत देर में ऑन होता है, जैसे स्टार्टअप चलता है चलता ही रहता है 10-15 मिनट हो जाती है। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट दूर करने के लिए आप SSD लगाएं। SSD लगाने के बाद लैपटॉप की स्पीड में कुछ बेहद नोटिसेबल सुधार आता है। ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स के मुकाबले SSDs सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एक मॉडर्न स्टोरेज सॉल्यूशन है जो लाइटनिंग फास्ट परफॉर्मेंस और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी प्रदान करते हैं। SSD एक एडवांस्ड फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है जिसे डेटा एक्सेस और ट्रांसफर स्पीड अत्यंत तेजी से हो जाती है। जब आप अपने लैपटॉप में एक SSD इंस्टॉल करते हैं तब आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन की लोड टाइम कम हो जाती है, लैपटॉप की स्टार्टअप स्पीड भी बढ़ती है जिसे आप तुरंत काम शुरू। SSD लगन से लैपटॉप की फाइल एक्सेस और डेटा ट्रांसफर भी तेज हो जाते हैं। लार्ज फाइल्स को कॉपी या मूव करना, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना और गेम्स को लोड करना सब कुछ कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। इससे मल्टीटास्किंग भी आसान हो जाता है क्योंकि SSDs बहुत ज्यादा IO ऑपरेशंस को सिमल्टेनियसली हैंडल कर सकते। इन सब बेनिफिट्स के साथ SSD लगन से लैपटॉप की बैटरी लाइफ भी इम्प्रूव होती है। SSDs लो पावर कंसम्पशन करते हैं जिससे बैटरी का बैकअप टाइम बढ़ जाता है और लैपटॉप पोर्टेबल यूज में भी एफिशिएंट रहता है।